सहयोगी ऋषिकेश भी जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, ये हमने देखा है कि बीजेपी आखिरी दम तक जो है अपनी तैयारी करती है और चुनाव में जुटती है। ये जो कहा गया है कि 5 तारीख को जो है चुनाव है और उसी दिन किसानों के खाते में जो पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त है वो जारी की जाएगी, पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान उधर किसानों से संवाद कर रहे हैं। इधर ये भी गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से भी कहा गया है कि जो किसान सम्मान निधि मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है, उसको 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया जाएगा और जो बीमा है वो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाएगा। तो चुनाव से पहले क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जाए? विप्रेश, देखिए मैं हिसार में यहाँ से 5 किलोमीटर के आगे प्रधानमंत्री की रैली होनी है, तो आम लोगों के बीच में मैं सवाल पूछ रहा था, हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही लोग हैं, कि क्या 5 तारीख को वोटिंग के दिन जो 10,000 रुपये किसान निधि बढ़ाया गया है, क्या उसका फायदा होगा? तो हम लोग ये पूछ रहे हैं, अरे आपसे आगे बता दो कि जो 10,000 रुपये किया जा रहा है किसान निधि 5 तारीख को जिस दिन आपके यहाँ वोटिंग है, प्रधानमंत्री यहाँ से कुछ आगे रैली कर रही हैं, तो इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहले कौन करे ये 10,000 रुपये, अभी फायदा कहाँ से मिलेगा? पहला करते, हाँ अभी कहाँ फायदा मिलेगा? अभी तो और भी बढ़ा देंगे, और भी ऐलान कर देंगे दूसरी पार्टी, हम इतना देंगे। अरे इलेक्शन टाइम में फायदा करें ये? अरे ये 10 साल राज कर लिया, ये सौगात वाजे रहे, कभी तो बोला गुजरात में, कभी हरियाणा में, कभी आया बनने के बाद कभी आया भाई सौगात दूंगा। अब आपके खाते में 5 तारीख को जब वोट डाल रहे होगे, उस दिन 10,000 रुपए आएंगे 6,000 से किसान निधि का जो पैसा है बीजेपी की सरकार देगी, मोदी सरकार? हमने नहीं चाहिए वो, हमने चाहता ही नहीं, अपनी कमाई का खा जाएंगे हम अपना। इनाज तो पहले हमें नहीं दिया कोई भी, सही बात है। कोई इंडस्ट्री लाया हो हरियाणा में, कोई और फायदा करे हो, कोई नौकरी दी हो, अरे गुजरात क्या ना रहे हरियाणा में भरा है, और हरियाणा के बच्चे पढ़े लिखे नहीं क्या? आप लोग कैसे देख रहे हैं? बोलो देख हम भाई, पीएम जो 10,000 रुपए कर रहे हैं, अब अग्निवीर आपके बच्चे हैं उनको पेंशन भी देगी सरकार हरियाणा में, तो इसका चुनावी फायदा है? पेंशन ये चुनाव में वायदे हैं, ये पूरे को नहीं हुए, कदे पूरे हुए तो बता दो आप। ये बगल में आपके प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारा घर जिला है ये, तो हम तो कुछ बात, पिछले बार तो कांग्रेस यहाँ कुछ नहीं जीत पाई थी, बीजेपी और बीजेपी जीती थी, फिर वो तो जनता का मूड है भाई, किस तरह बनाए किस तरह ना बनाए। सर इस बार जनता का मूड, जनता का तो फिलहाल तो इधर तो बीजेपी का ही है, बीजेपी का ही रुझान है ज्यादा। बीजेपी जो 10,000 रुपए कर रहे हैं उसका फायदा मिलेगा? उसका तो दे, मैं तो जमींदार हूँ, लेकिन मिले तो गाय जमींदारों को फायदा, तो वोट तो पड़ेगा किसानों को दे रही है। 6,000 15 लाख खा लिए जिस दिन 5 अक्टूबर जिस दिन वोटिंग होगी, 15 आए आगे 15 आए हो जाएगा, जो कचरे का छड़के लड़ाई 15 आए फायदा है जी। देखो सरकार कुछ भी दे उसमें फायदा, कुछ भी दे फायदा है, किसान और चाहे मजदूर सबका फायदा है जी, मैं तो ये कहूँ। मोदी जी बगल में आ रहे हैं, इस बार बड़ी अच्छी बात उनका ऋषिकेश, बीजेपी जीती तो 6,000 से 10,000 किए जाएंगे, बीजेपी जीती तो प्रधानमंत्री आए तो का बीजेपी कह रही है, अगर प्रधानमंत्री सार के अंदर आते ना बीजेपी को वो बेनिफिट मिलेगा, ये तीसरी बार वोट मांगना और जानी मांगेगा वो, वोट मांगने से पहले आता ये, वोट मांगने से पहले आता, उनका काम है जी वोट मांगना और करना सबका काम है जी। पहले प्रधानमंत्री कौन का ही कर ले बात, करो बोल भाई, बीजेपी आओगी सरकार उड्डन है आन कौन दे, क्यों 10 साल लेकर राज रहा गरीबा के कह कर फूके, किसे सरकार ने फूके बता, उड्डन है जितना प्रोफ कंडा करया रोचक कड़ा काम को निकलया, मोदी सरकार आए पाछे खट्टर ने सारा हरियाणा में करया, शाइनी ने 56 दिन में 56 दिन में पर्ची बालक लग गए, मुफ्त में राशन दे, मुफ्त राशन में दुनिया ने मजदूर ने बिगाड़ निका है, यो
का कोई समान अच्छा होता है। आप बताओ ये बात, फरी का कोई समान अच्छा होता है? अरे यही लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है, आप तो बताओ। बीजेपी की सरकार तीसरी बार, आप एक पत्रकार ना हो क्या? आप एक पत्रकार ना हो, वैसे इंसान हो, वैसे हम वोटर छोड़े हैं। आप वैसे बताओ क्या कोई कोई फरी का समान अच्छा होता है? क्या कोई फरी का समान अच्छा होता है? आप बताओ वोटर आपको आपको अच्छा। हम तो ये कहते हैं फरी का समान मिलना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ जरूर लेना चाहिए। फ्री का सामान अच्छा, फ्री का देखो हर तरह की जनता है, जिसको देखो घर में साधन नहीं है उसके लिए तो अच्छा ही है, जिसका आदमी नहीं है, लेडीज लेडीज है। 15 लाख प्रेस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ से 5 किलोमीटर जो हिसार का एयरपोर्ट है जहाँ पे प्रधानमंत्री की रैली होनी है और आसपास से यहीं से लोग जाते हैं, तो देखिए बीजेपी ये जानती है, बीजेपी को एजेंडा से कोई मतलब नहीं होता है। विप्लेश, अगर 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री किस्त जारी कर रहे हैं किसानों की सम्मान निधि का, तो ये एक बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। देखिए कि खास करके हरियाणा में जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके की हवा चल रही है, जातीय गोलबंदी को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल हमलावर हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उनके जो कोर वोटर हैं और जो वो बीते 10 साल से हरियाणा में राजनीति करती रही है, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं तो उसका लाभ उसे मिलेगा। और ये आखिरी आखिरी कोशिश की जा रही है, आप कहीं भी चले जाएं किसी भी जगह पर, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जो नीतियां हैं उसकी पैरोकारी करेंगे। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि आखिरी आखिरी वक्त तक चुनाव कैसे लड़ा जाता है। हिसार जहां प्रधानमंत्री आ रहे हैं और जहां यहां से जो लोकल लोग यहां जाते हैं, तो वहां पे पिछली बार कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। विप्लेश, 9 सीटें हैं लोकसभा में, 4 सीटें जेजेपी जीती थी, हालांकि उसमें एक उचाना कला जो दुष्यंत चौटाला की खुद सीट है जो जिंद में आती है और एक भिवानी में, लोकसभा की बाकी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 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 उसमें से कांग्रेस को बिल्कुल नहीं था। हाँ, लोकसभा में जब आप से 4 महीना पहले वोटिंग हुई थी तो हिसार से कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के सांसद जरूर जीते और तकरीबन 6 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी इन 9 विधानसभा के हलकों में से। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री आज रैली को संबोधित करेंगे तो तकरीबन 23 से 24 विधानसभा की सीटों को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 9 सीटें हिसार की हैं, 9 सीटें सिरसा की हैं, बहादुरगढ़ की हैं और कुछ जो बगल की सीटें हैं, तो तकरीबन 24 से 25 जो स्थानीय लोग बता रहे हैं उसको संबोधित करेंगे। ठीक है। और बीजेपी का चाहे किसान निधि का हो या फिर आप देखिए कि जो अग्निवीर को पेंशन देने की बात अमित शाह कह रहे हैं, तो जो उनके कोर वोटर है, जो ओबीसी वोटर है, जो जिसकी तादाद 22% है तकरीबन एससी के मुकाबले, तो वो कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी इंटैक्ट हैं। 5 अक्टूबर को अगर किसान निधि का पैसा डाला जाएगा तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा और सिंबॉलिक तौर पर भले ही आप अलग अलग जाटलैंड में चले जाएं, किसानों के बीच चले जाएं, कांग्रेस का बोलबाला जरूर दिख रहा, हालांकि घोषणा पत्र उनका जारी होना है और महिलाओं के खाते में 2000 रुपया हो या फिर बुजुर्गों को 6000 रुपया पेंशन हो, क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाना हो, जातीय जनगणना करानी हो और राहुल गांधी का जो बेरोजगारी का जो हाल के दिनों में वो घूम कर कह रहे हैं कि पलायन का मुद्दा हो, वो 2 लाख नौकरियां देंगे, इन सभी मुद्दों पर बिना खर्ची बिना पर्ची किसानों का सम्मान निधि बीजेपी के लिए एक आखिरी कोशिश जरूर है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वो चुनाव लड़ना जानती है और आखिरी आखिरी वक्त तक वो पूरे दमखम से लड़ रही है और बीजेपी की यही स्ट्रैटेजी है आखिरी वक्त में इस तरीके के ऐलान को करना और उसे अमली जामा पहनाना। ठीक है, राजीव जी से शुरुआत करते हैं चर्चा की। राजीव जी, आपने खुद ही सुना अभी मेरे सहयोगी ऋषिकेश हरियाणा के लोगों से बात कर रहे थे, तो सवाल यही उठ रहा है कि जिस दिन चुनाव है उसी दिन आप ये पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं किसानों के खाते में, तो उनका ये कहना है पहले क्यों नहीं सोचा आपने, पहले क्यों नहीं किया?